ये एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्थल गामी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है पूजा की जाती है यहाँ जा, मैं एक बात और डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं उनको किसी राज्य विशेष के दायरे में बांध के नहीं रखा जा सकता आज हम देखते हैं कि छठ बहुत उमंग और उत्साह से महाराष्ट्र में मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है गुजरात में जाता है हर हर इसमें हर समाज का 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 हमारे जीवन का, प्रकृति का, कोई भी आप ले लीजिए सामाजिक समरसता की बात ले लीजिए क्योंकि ये सब तो अभी देखिए हाल फिलहाल के विषय हैं हम ये सब बातें करते हैं पर ये मतलब कोई भी विषय कोई भी एंगल समाज का आप ले लेंगे तीस त्योहार का हो समाज का हो परिवार का हो आपसी रिश्तों का हो उन सबका एक जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है हमारे सामने एक तरह से हमें लगता है कि आज हमारे जितने पर्व और त्योहार हैं ना वो धीरे धीरे उद्योगपतियों की लपेट में आते जा रहे हैं उससे बचाने की जरूरत है बाजार से बचाने वही की है, है। कुल मिला के कहें तो चले आई जाए नमस्कार इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास पूरा महीना ही पर्व त्योहार से भरा पड़ा है माह की शुरुआत से लेकर के अंत तक अलग अलग त्योहार हम मनाते रहते हैं तो आज हम बैठे हुए हैं कार्तिक माह के महत्व तो क्या है कैसे है कौन कौन से पर्व पड़े हैं इन सब पे चर्चा करेंगे और आज जब हम बैठे हैं तब छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है आज नहाए खाए के साथ छठ महापर्व प्रारंभ हो चुका है तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा प्रारंभ करें अपने कुछ मित्र लोग बैठे हुए हैं एक बार इनका संक्षिप्त परिचय कर लें तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय वर्मा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं साथ में है डॉक्टर संतोष कुमार भरद्वाज जी आप दौलत राम कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे साथ हैं नरेंद्र वर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं और सामने हैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो सबसे पहले जो चर्चा करते हैं चूंकि छठ चल रहा है तो जाहिर सी बात है छठ से ही प्रारंभ होनी चाहिए चर्चा तो छठ महापर्व पहले इसको कहा जाता था कि यह बिहार और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें बनारस वगैरह सारी चीज़ें आती हैं लेकिन अब यह अपने दायरे को पार कर चुका है तो छठ ने अपने कैसे पहचान बनाई है चाहे पर्यावरण हो या अन्य विषय हो तो उसको लेकर के इस पर अपना विचार रखते हैं शुरुआत संजय जी से करते हैं छठ जो पर्व है ये चार दिनों का होता है और इस बार जो मेन जो प्रमुख तिथियां हैं वैसे तो आज जैसे आपने बताया कि आज प्रारंभ हो गया है नहाय खाए से कल खरना होगा और मुख्य जो अर्ध्य है जो सूर्य देव को मुख्य रूप से छठ का जो पर्व सूर्य की उपासना के लिए किया जाता है घर परिवार की सुख शांति के लिए तो जो तीसरा दिन है वो रविवार शाम को होगा जिस दिन डूबते सूर्य का अर्ध देंगे जो हमारी महिलाएं बहनें हैं जो इसका व्रत उपवास रखती हैं और जो मुख्य छठ का अर्घ है वो सोमवार को सुबह जो सूर्योदय का सूर्य है उनको अर्घ दे के प्रारंभ होगा जैसा मैंने अभी कहा कि छठ का पर्व जो है ये सूर्य देवता की उपासना के लिए है ये परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पुत्र की ये संतान के लिए पुत्र के लिए होता है जो निस्संतान है उनको संतान होने के लिए ऐसे बहुत सारी इससे जुड़े हुए हैं और जैसा आपने ठीक ही कहा कि अब यह सिर्फ बिहार या किसी क्षेत्र विशेष का त्यौहार नहीं रहा यह बल्कि राष्ट्र का और राष्ट्रीय पर्व हो गया और दिल्ली में भी इसकी छुट्टियां होती कई प्रदेशों में छुट्टी घोषित की जाती है बहुत बड़ा और ये आपसी भाईचारे का भी है तो ठीक है भाई साहब ये जो बात है कि अब ये राष्ट्रीय पर्व है वास्तव में अब राष्ट्रीय नहीं है अंतरराष्ट्रीय पर्व है पूरे लगभग भारत भा 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 नहीं विश्व में हर जगह मनाया जाता है सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वापस भारतीय संस्कृति तरफ लौटे तो प्रकृति के प्रति हमारा जो धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रकृति के प्रति कृतज्ञता करने का ये बड़ा पर्व है जहाँ हम प्रकृति के प्रति जो है नदियों के क्योंकि उगते हुए सूर्य को हम जल देते हैं नदियों के समक्ष खड़े होकर हम जल देते हैं तो एक अद्भुत देश ये भारत है जहाँ हम इस बात को देखें कि हमने प्रकृति को जो है एक मित्र भाव से सहचरी भाव से एक तरह से कहें तो भारतीय अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं ये अद्भुत बात है कि हम अंदर ही नहीं कर पाते कि प्रकृति और मनुष्य में तो दोनों का मेला जूला रूप है और छठ जो है वास्तव में स्त्री पूजा का पर्व है स्त्री को सम्मान देने का पर्व है हम कहते हैं छठी मैया ये कहते हैं छठी मैया ये कहते हैं सृजन का पर्व है प्रकृति का पर्व है तो यानी यह अद्भुत बात है कि और एक बात आप देखें कि जब जिस डलिया में जब हम पूजा के लिए लेकर नदियों के पास जाते हैं उस दलिया को तो देखेंगे प्रकृति का वो हर कुछ आपको वहाँ मिठाई मिलेगी आपको घर में बनाए हुए जो प्रसाद मिलेंगे फूल मिलेंगे फल मिलेंगे गन्ना मिलेगा वो सब कुछ जो है यानी कहते हैं ना कि पूरा प्रकृति सिमटा हुआ है उसमें और हम सब उसको जो है वहां देते हैं तो अद्भुत है कि प्रकृति के नजदीक जाने और प्रकृति को ज्ञापित को करने का कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक बड़ा पर्व है छठ इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा जो सनातन संस्कृति को एक तरह से प्रतिबिंबित करने वाला ये पर्व छठ महापर्व इसमें न सिर्फ उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं या उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं कि सूर्य की उपासना का महापर्व ये इसको कहा जाता है हम ढलते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं ये हमारी सनातन संस्कृति वो कैसे अपलाभित किए हुए है कि प्राकृतिक रूप से जो कोई अपकर्ष की तरफ जाएगा उत्कर्ष की तरफ तो उसका अपकर्ष भी होना है तो उत्कर्ष के साथ साथ हम अपकर्षण को भी उतना ही सम्मान देते हैं उसका ये जीता जागता ज्वलंत उदाहरण ये छठ का महापर्व है ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान और यहाँ पे, तो पे मैं एक थोड़ा जुड़ूंगा ये एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्तल गामी में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है है पूजा की जाती यहाँ मैं एक बात और डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं उनको किसी राज्य विशेष के दायरे में बांध के नहीं रखा जा सकता आज हम देखते हैं कि छठ बहुत उमंग और उत्साह से महाराष्ट्र में मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में तो बाकायदा छठ पर्व की छुट्टी होती है उतने उत्साह उमंग के साथ गुजरात में महाराष्ट्र में तमिलनाडु में जितनी हमारी नदियां हैं समुद्र के किनारे लोग बहुत उत्साह के साथ छठ पर्व मनाते हैं और जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो बहुत श्रद्धा के साथ इस पर्व में शामिल होते हैं तो ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके पर्व जो हैं समस्त भारत में बहुत धूमधाम और उमंग उत्साह के साथ मनाए जाते हैं सही तो बात कही भाई साहब एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ मतलब आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ प्रकृति और पर्यावरण की एक बड़ी समस्या है तो हमें लगता है कि छठ पर्व जो है हमें सीधे सीधे प्रकृति के प्रति सावधान करता है प्रकृति से जोड़ता है कि हमें प्रकृति पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए और प्रकृति किस तरह से हमारे जीवन का अंग है वो छठ पर्व हमें सीधे सीधे सिखाता है और पर्यावरण की जो समस्या है और मुझे लगता है कि यह छठ अभी हम बात कर ही रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया तो हमें उन उसके साथ यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने की जरूरत भी है कि केवल यह पर्व क्यों जुड़ा हुआ है और कैसे जो है इसको प्रकृति के साथ हम जोड़कर देख सकते हैं आपको बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा छठ <coughs> के साथ स्वच्छता और पवित्रता बिल्कुल बहुत जुड़ा हुआ पवित्रता छठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप छठ शुरू होते ही उसमें जो नियम है कितना साफ सफाई रखना है कैसे रखना है पूरे घर को साफ किया जाता है आसपास के वातावरण को साफ किया जाता है जो नदी तालाब है उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि तो अगर हम बचपन को देखें तो दीपावली के साथ ही छठ को लेकर के एक लंबा उत्साह शुरू हो जाता है चार दिन का पर्व है तो इसमें नदी तालाब उसमें स्नान करने सफाई करने आप देखे होंगे कि उस आस्था का ही महत्व है कि जमुना जितनी गंदगी के बाद भी लोग उसमें खड़े रहते हैं कई कई लोग अभी तो आज सर्दी कम है लेकिन छठ के टाइम में कई बार सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है उसके बाद भी पानी में खड़े रहते हैं कुछ लोग रात रात भर पानी में खड़े रहते हैं तो साफ सफाई छठ घाट हो गए घाट में नदी हो गया तालाब हो गया गांव हो गया तो उस आस पास के एरिया को पूरा अच्छी तरह से सफाई किया जाता है तो पर्यावरण से इसमें जुड़ा हुआ तो ये विषय है इसके अलावा इसमें अगर आप समर्पण को देखें तो कल नहा, आज नहाये खाए हो गया कल खरना खरना के बाद से आपको पानी और भोजन कुछ भी नहीं मिलेगा फिर आपको अगला पानी कम मिलेगा जल कम मिलेगा जब उगते हुए सूर्य को आप अर्घ देंगे यानी छत्तीस घंटे तक आपको ना तो पानी पीना है न खाना खाना है और इसके साथ एक और है कि जो प्रसाद बनता है छठ का जो ठेकुआ बने या वो चीजें बने वो जो व्यक्ति उपवास रखा है उसी को खुद बनाना होता है घर में अलग वो तो चूल्हे वगैरह पे भी, भी नहीं बनता है उसको लेकर के वो शुद्ध घी में बनेगा अलग आटा उसको पीस करके रखा जाता है उसको सारा चीजें गेहूं पीसते हैं हाँ गेहूं बल्कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब छठ के लिए एक पूरा एक घर में एक कमरा रिजर्व कर दिया जाता है साफ सफाई के साथ छठ का जितना भी सामान है वहां लाकर उसको एकत्र किया जाता है और जो व्यक्ति छठ में व्रत रखते हैं वो उसी कमरे में नीचे ज़मीन पे सोते हैं और वो बिना सिले हुए वस्त्र को पहनते हैं अगर जो पुरुष हैं तो वह धोती लपेट के रहते हैं और महिलाएं जो हैं वो साड़ी लपेट के रहती हैं ये बहुत ही आस्था वाला बहुत पवित्रता वाला जो पर्व है जिसको बड़े आस्था के साथ सेलिब्रेट किया जाता है उसी में अगर आप देखें तो छठ घाट पे जब सुबह का अर्घ दे दिया जाता है तो प्रसाद वितरित होता है तो वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का जैसे किस तरह से समरसता और सामाजिक भाईचारा उसमें समाहित है तो सभी के साथ वो प्रसाद लेकर के वहाँ पे छठ घाट पे मांगने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती है मांग करके भी प्रसाद दिया जाता है यहाँ यहा, एक चीज मैं ये जोड़ना चाहता हूँ मतलब जो मैंने देखा है यहाँ पर कि छठ एक ऐसा पर्व है दीपावली भी है होली है हर प्रकार के त्योहार हैं इसमें आपको कहीं अंतर दिखेगा अंतर ऐसा दिखेगा कि मतलब जो आर्थिक असमानता समानता की बात है कि बड़े घर के लोगों के यहाँ बड़े पटाखे फूट रहे हैं या उनके यहाँ डीजे बज के होली के रंग त्यौहार बड़े बड़े लोग आ रहे हैं छोटे के आनी अभी है लेकिन छठ पर मैंने ऐसे देखा चाहे वो दिल्ली में मनाया जा रहा हो किसी आपने नदी की बात की या नहर में हो रही है या वहाँ चाहे वो आई हो आई हो मंत्री हो वो अपने सिर पे टोकर रखे उसमें शर्माता नहीं है ये इतना बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है छठ का और दूसरा इसमें मैं एक और आस्था की बात कह रहा हूं कि मैंने जो देखा चूंकि मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरे सभी मित्र यार वहां के हैं कि इसमें जो महिलाएं व्रती रहती हैं उनका कपड़ा धोने के लिए होड़ मचती है लोगों में आस्था है ना ये कितना बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है यहां तो मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो छठ पर्व है वो हमारी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश देता है वहां हम देखते हैं घाट पे हम किसी की जाति किसी का वर्ण नहीं देखते दे। वो हर जाति समाज का लोग वहां होता है और पूरी श्रद्धा के साथ एक ब्राह्मण भी उनके पैर छूता है एक क्या नाम है ठाकुर भी उनके पैर छूता है और सब उनको पूरा सम्मान और आदर तो देवी स्वरूप में रहती हैं जैसे मैंने तो कहा हाँ। ना उस दिन कोई ऐसा नहीं देखता कि ये फला है फला है और वो और मैंने देखा यहाँ पर कि लोग उनका मतलब जब उनका वो कपड़ा चेंज कर लेते हैं कि उस कपड़े को हम धोएंगे हम धोएंगे उनका पानी अपने सिर पर डालने के लिए तो, तो ये जो फैक्टर तो है ना जो है व्रत करने वाला वाला उपवास रखने वो सामान्य अपनी पहचान से ऊपर देवी धरातल पर होता है ये कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर साहब अभी हम आगे बढ़ाए तो अगर आप छठ को देखेंगे तो जो बड़े बड़े कारपोरेट है मार्केट जिस तरह से हमारे पर्व त्योहार पे कब्जा करता जा रहा है तो छठ कुछ हद तक अभी भी बचा बचा हुआ है उसका कारण एक तो ये हो सकता है कि उसमें जो प्रसाद बनने वो सारे प्राकृतिक रूप से तो प्रसाद बनने हैं और ताजा प्रसाद बनने हैं तो शायद मार्केट अभी तक उसका तोड़ नहीं निकाल पाया एक तो ये बात होगी अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा कि अपने जो पर्व त्योहार है इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि छठ जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो चूंकि हम इसमें आप पत्रकार हैं हम तीन साहित्य के जुड़े हुए हैं दो हिंदी में अंग्रेजी हम लोग एक विषय पढ़ाते हैं एकोक्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बस थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करते हैं मतलब कि प्रकृति के साथ जो हम अन्याय कर रहे हैं और ये वेस्टर्न कंसेप्ट है इकोक्रिटिसम जो है पश्चिम से आया हुआ कंसेप्ट है अब जैसे यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं ये हो रहे हैं तो ये उसका एक पश्चिम को सिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका छठ है कि देखो हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है हमको क्यों तुम सिखा रहे हो वेस्ट वाले जो हैं वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये हमें सिखाते हैं प्रकृति है? को ये करना ये करना ये है बचाइए हमारे पर ये उरुग्वे और ये कौन कौन से वार्ता है इतने इंपोज करते हैं कि ये ये गैस उत्सर्जन नहीं करना ये नहीं करना बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी तो ये उनको हमसे सीखने की जरूरत है कि देखो हम प्रकृति के संरक्षण कैसे करते हैं प्रकृति की ये करते हैं तो ईको

कि प्रकृति को हम सामान्य पत्थर पेड़ पौधे नहीं मानते पाल, पानी या जल नहीं मानते वो हमारे लिए दैवीय स्वरूप है वो हमारे देव है हम उसकी हम उसकी पूजा उसका संरक्षण करते हैं जो ये पश्चिम की जो संस्कृति हमारे ऊपर जो हावी अतिशय भौतिक वाली जो संस्कृति है उसको हम डायलूट करने के लिए ये एक सीधा सीधा संदेश ये छठ महापर्व है कि कैसे हम आ, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन पद्धति में अपना के हम अतिशय भौतिकवादी जो जीवन पद्धति है उससे उत्पन्न हो रही जो समस्याएं हैं हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं हम इसको अपना कर अब इस ना अगर हम देखें तो ऐसे तो हमारे सारे ही पर्व त्योहार जो है उसका एक आर्थिक एंगल है उसका एक आर्थिक दृष्टिकोण है जो समाज के अर्थतंत्र को चलाता है अगर हम पीछे देखें तो हमारे मंदिर मंदिर भी हमारी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे तो अभी भी कई मंदिरें हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का एक सर्कल जो है वो तो पे चलता रहता है तो अगर आप दीपावली देखें तो इस थोड़ा सा जो हमारे जो पर्व त्योहार हैं, कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं कुछ करते पूरे अर्थतंत्र को चला रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि दीपावली उससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता किस तरह से हमारी एक देश की समाज की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चाहे आप व्यापारी हों या आम नागरिक हो या कुछ उत्पादक करता हो या किसान हो सबका कुछ ना कुछ इस अर्थतंत्र में जुड़ा होगा उसको लेकर के तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा इस बार कर ले क्योंकि अर्थव्यवस्था हर चीज का एक महत्वपूर्ण अंग है और भारतीय समाज ने अर्थव्यवस्था को हमेशा अर्थतंत्र को लेकर के सकारात्मक रूप में लिया है उसी रूप में हमारे पर्व त्योहार भी हैं। अगर दीपावली से शुरू करते हैं धनतेरस है तो इसमें एक बार चर्चा करूँगा दीपा जैसा आपने कहा कि ये कार्तिक मास ही पूरा सनातन धर्मियों के लिए ही और इनकी बात को जोड़ें तो अब ये राष्ट्रीय या किसी एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो गया और आप देखेंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं जो इसमें एक ऊर्जा रहती है और एक जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि एकत्रीकरण यूनिफाइंग जो एंगल है हमारे इन त्यौहारों का उसमें विश्व के लोग भी आ रहे हैं और वो भी से दीपावली है होली कितना आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूरोपियन जो भी हैं सारे लोग हमारे साथ मिलकर करते हैं तो जैसा आपने आर्थिक एंगल की बात की तो इस ये जो पांच दिवसीय प्रमुख त्योहार है दीपावली के पहले ये धनतेरस से शुरू होता है तो धनतेरस आपको तो मालूम है कि धन हर कोई चाहता है कि उनके समृद्ध सुख शांति समृद्धि के लिए हो और वो जो देवताओं के वैद्य धनवंतरी जी हैं उनकी भक्ति पूजा और कुबेर जी जो धन के स्वामी कहलाते हैं उनकी पूजा से प्रारंभ होता है और हमारे यहाँ मान्यता है कि जो धनतेरस का दिन है बहुत पवित्र दिन होता है और उस दिन जो भी आप अपने घर की समृद्धि के लिए जो ऐसी आपकी हैसियत खरीदते हैं वो आपके समृद्धि आपके परिवार के प्रयोजन के लिए आपके परिवार की समृद्धि में काम आता है तो हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से उस दिन कुछ खरीदता है और दीपावली के दिन उसकी पूजन उसके बाद नरक चौदस है फिर ऐसे करके फिर दीपावली आती है तो नरक चौदस दिन नरकासुर का वध होता है ऐसे करके बहुत बड़ा एक पाँच दिवसीय त्यौहार है और जो कि भारत की आत्मा है ये पाँच दिन जो होते हैं सारे त्यौहार लेकिन पाँच दिनों में आप कहीं भी देखेंगे सब लोग खुशहाल रहते हैं नए कपड़े खरीदना घर की साफ सफाई करना आ, मिलना आपस में ए, मिठाई बांटना मिठाई वैसे भी मित्रता मिष्ठान जो है उसका प्रतीक माना जाता है तो हम मिठाई खिलाकर एक दूसरे का सम्मान करके करते हैं तो त्यौहार दीपावली का जो है वो मतलब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समाज का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बाजार में योगदान देता है वो तो छोटी से छोटी खरीदारी जरूर करता है और uh, सामर्थ्यवान लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं और इन खरीदारियों से होता क्या है कि सभी व्यक्तियों का सीधे सीधे मार्केट में कुछ बढ़ता है और उससे जीडीपी डायरेक्ट उसका लेना देना है और जीडीपी में वृद्धि होती है इस रूप में भी महत्वपूर्ण है जैसा कि चर्चा हो रही है बात च्छा, च्छा। एक, एक जुड़ू ये बात सही एक बात ठीक है और हालांकि हम जानते हैं दीपावली सनातन धर्मियों का पर्व है और जैसा कि विपिन जी ने कहा अभी आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ और हमारा हर पर्व अर्थ से ही जुड़ा हुआ है जो कि हम कहते ही है धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे हर धर्म के पीछे ये चारों कारण तो एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि रास्ते में ना बहुत सारे माला और माल माला और फूल बेचने वाले छोटे छोटे जो है अपने तो अपने है। ट्रॉलियों में लिए हुए दीप दीप जो है रखे हुए जगह जगह हालांकि दीपावली पर कॉर्पोरेट ने कब्जा तो काफी कुछ किया इसमें इनकार नहीं किया जा सकता इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो महानगरों को छोड़ दें तो आज भी जो छोटे छोटे नगर हैं छोटे छोटे जिले हैं बस्ती है गांव है वहां भी जो कुटीर उद्योग है ना दीपावली उसको बढ़ावा देता है हमारे छोटे छोटे यानी कुम्हार वो जो माली है ये सारी चीजें जो लेते हैं अच्छा एक बात और भी है कि हमारे उत्सव त्यौहार की पता है सबसे खूबसूरती क्या है कि हम केवल अर्थ नहीं है हम जब माली से माला ले रहे होते हैं ना तो उससे पूछते हो भाई ठीक हो घर में क्या चल रहा है तो ये जो आत्मीय संबंध है ये जोड़ने का काम करता है हमारे पर्व तो दीपावली अर्थ तो हम स्वाभाविक है कि हम खरीदते हैं और कुछ देते हैं तो अर्थ तो की तो बढ़ोतरी होती है लेकिन जो सद्भावना और प्रेम है ये हमारे त्योहारों की जो विशेषता है ना वो दीपावली में दिखती है और हमने तो अभी सड़कों पर देखा है उस चीज को बहुत नजदीक से महसूस किया है डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में दिवाली का दिन आर्थिक संपन्नता का दिन तो है ही है वैभव का दिन है खुशियों का दिन है इसी के साथ हमारे देश के तीन महान ऋषि तुल्य लोगों को याद करने का भी दिन है जिसमें से एक महावीर स्वामी है जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम अहिंसा त्याग और प्रेरणा का संदेश दिया दिवाली के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं और एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती जी का महानिर्वाण भी दीपावली के दिन हुआ था उनके मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया बल्कि अशक दीपक जलाकर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और यहाँ एक बात मैं जोड़ दू कि सनातन धर्म की क्रूतियों के खिलाफ अगर किसी ऋषि ने आवाज उठाई है तो वो ऋषि दयानंद थे आज सनातन धर्म जहां खड़ा हुआ है और जो पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद जी का हाथ है और एक ऐसी ही एक हुए हैं जो एक महान वेदांत के ज्ञाता तो थे ही साथ ही एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे स्वामी राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ जी का महानिर्माण भी दिवाली के दिन हुआ था तो हम उनको भी इस पर ऊपर याद करते हैं उनके करोड़ों शिष्य उनको स्मरण करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दिवाली के दिन इन महान तीन लोगों को याद करने का भी दिन है जी। एक बात और बात और दिवाली की चल रही है तो दीप दीपों की बात किए बिना तो बात अधूरी रह जाती है कि वास्तव में हम जो एक दीप जलाते हैं उस दीप का कितना महत्व हमारे जीवन में और हमारे महापुरुषों ने कितना सोच कर जो है इस दीप को रखा होगा और हम केवल दीपावली में नहीं बल्कि हम तो हर पर्व में ही दीप जलाते हैं दीप से ही हम भोजन करते हैं दीप ना उष्मा का प्रतीक है एक अद्भुत बात है कि देखें इस बात को और आज साइंस भी इस बात को मान रहा है कि दीप जब हम जलाते हैं तो उससे उष्मा उत्पन्न होती है और उष्मा बहुत सारे रोगों का को नाश करने का कारण भी है और वेदों में ऐसे अग्नि पुराण की अग्नि यज्ञ की बात मिलती है हमारे यहाँ और हमारा पड़ोसी चाइना है वो फायर योगा की बात करता है वो फायर अग्नि कैसे करता है फायर करके वो कुछ अपने यहाँ उस तरह के वो ये कार्यक्रम चलाता है जिससे मतलब उस अग्नि के द्वारा ही वह रोगों का नाश करता है तो एक जो बड़ी बात है कि दीप केवल अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ही नहीं ले जाते बल्कि स्वास्थ्य जोड़कर जो है विभिन्न प्रकार के रोगों का हमारे नाश भी करते हैं दीपावली राम से जुड़ा हुआ है और जहा राम हो वहाँ कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता ठीक बात है वहाँ कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता वैसे भी तो जब जब दीपावली ही राम राज्य की स्थापना से जुड़ी है ऐसे भी इसलिए इसी से एक बात और भी आ गई कि इस बार का दीपावली ऐसे भी विशेष है क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम लगभग पांच सौ के बाद संघर्ष के बाद एक विहंगम भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं इसलिए भी दीपावली विशेष महत्व रखती है तो प्रभु राम का जब राम राज्य स्थापित हो गया दीपावली में तो सारे अंधकार तो वहीं से मिट गए इसके अलावा भी दीपावली के बहुत सारे आयाम है उस आयाम पर अगर चर्चा न होती जाए उन मुद्दों पर चर्चा न पी जाए तो, तो फिर वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है सर्वविदित है कि चौदह वर्ष का वनवास काट के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन से वापस लौटे तो अयोध्यावासी उनके आगमन की खुशी में दीप जलाकर अपना हर्ष और उल्लास प्रकट किया ये तो हम सभी जानते हैं और आ, एक ये तथ्य है क्योंकि वो भी आ, ये कार्तिक मास का ये अमावस्या का दिन था इसलिए दीपावली का त्योहार हम मनाते एक ये मान्यता है इसके अतिरिक्त भी जो मान्यताएं हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई देखिए सनातन धर्म की महानता देखिए आप कि हम दिवाली के दिन प्रभु श्री राम को याद करते हैं और उसके अगले रोज हम प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हैं गोवर्धन की पूजा बड़े धूमधाम से मना तो गोवर्धन की पूजा का अर्थ अपने आप में है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गायों का संरक्षण करना ये संदेश सदियों पहले वैदिक काल में श्री कृष्ण ने हमें दिया था जिसका सनातन धर्म के लोग आज तक पालन करते आए हैं और दिवाली से पहले भी हम प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हैं जब नरक चौधरी का त्यौहार मनाते हैं mm. उन्होंने का वध किया था, ये बाल्यकाल की लीलाएं प्रभु की हमें इसी कार्तिक मास में स्मरण आती है और सब भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं आराधना करते हैं ये जो पर्व है गोवर्धन का और नरक चौदस चोध, का ये अपने आप में हमें ये दिखाता है कि श्री राम तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं लेकिन हमें कर्म योग सिखाने वाले प्रभु श्री कृष्ण भी हमारे साथ हैं। दिवाली के साथ ही हम भगवान धनवंतरी जी की पूजा करते हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। धनवंतरी जी की पूजा घरों में इसलिए की जाती है कि बच्चे और बुजुर्ग निरोग रहे स्वस्थ रहे आसपास का वातावरण अच्छा रहे और परिवार में सभी को निरोगी प्राप्त हो जी। इसी के साथ हम भाई दूज और चित्रगुप्त महाराज की भी जयंती का पर्व मनाते हैं चित्रगुप्त महाराज की जयंती के अवसर पर जो साहूकार लोग हैं वो व्यापारी लोग जो हैं वो अपने कातों पर कलावा बांधते हैं अपनी कलम कलाव में कलावा बांधते हैं और ये शपथ लेते हैं कि हम पूरे वर्ष कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे क्योंकि चित्रगुप्त महाराज हमारे दृष्टि रखे हुए हैं ऐसी मान्यता है इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा जैसे धनतेरस को धन दौलत से जोड़ा गया समृद्धि से तो स्वास्थ्य से ज्यादा बड़ा धन दौलत और क्या हो सकता है ठीक तो है तो एक तरह से वो भी वहां पे जुड़ा हुआ जी, है जी जी, जी।, जी, जी, जी। तो दीपावली में कई जगह अपने यहाँ नव वर्ष की शुरुआत भी मनाई जाती है आ, मुझे लग रहा था गुजराती लोग नवरोज नव, नवरोज हाँ आ, 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 आ ये ये, होता है जी जी।, जी जी अब इसमें आ, भाई दूज वाला जो मुद्दा है तो भाई दूज में भी जैसे हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है पर भाई दूज की क्या विशेषता है इसमें भाई दूज का पर्व जो है वो यमराज जी जो थे वो अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर गए और वो अचानक बिना किसी संदेश के वहाँ पहुंचे उनको देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ अपने भाई का स्वागत किया उनको भोजन कराया और विदा करते समय उनको तिलक लगाकर एक गोला जो है उनको अर्पित किया तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जो दिवाली के अगले रोज भाई दूज का त्यौहार सनातन धर्म में बड़े श्रद्धा रोमंग के साथ मनाया जाता है ये हमारे बहन भाई के प्यार का प्रतीक है इस दिन ऐसी मान्यता भी है कि जो बहन भाई एक साथ यमुना जी में स्नान करते हैं वो सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं ऐसी भी सनातन धर्म में है और इस कार्तिक मास का जो समापन है वो भी एक बहुत अच्छे ए, मंगल दिन से होता है जिस दिन भगवान विष्णु अपने चार मास के शयन से उठते हैं हम सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग देवउठान एकासी के दिन उनको जागृत करते हैं उनकी पूजा करते हैं और परिवार में सब लोग मंगल गीत गाते हैं विष्णु जी के उठने के लिए और सारे शुभ कार्य परिवार में आरंभ हो जाते हैं तुलसी विवाह भी उसी दिन मनाया जाए तुलसी एक विवाह को भी मनाया संबंध जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है और जो हमारी सनातन संस्कृति है अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व को देखें त्याग और समर्पण के प्रतिरूप के रूप में आते हैं तो परिवार जो जुड़ा हुआ है उनसे भाई हैं, लक्ष्मण है, उनका समर्पण वो एक हमें एक हमें संदेश देता है उसके अलावा उनकी जो पत्नी लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उनके त्याग को हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा में लगातार लगे रहे चौदह वर्ष तक सेवा के लिए बनवास गए और उनका पूरा साथ दिया एक तरह से आ, माता आ, उर्मिला जी ने तो उर्मिला जी के त्याग को आ, हम नहीं भुला सकते और त्याग और समर्पण जो हमारी सनातन संस्कृति प्रतिरूप है इसको भी नहीं भूल यहाँ श्री राम से डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी बात जोड़ूंगा कि जैसे चौदह वर्ष तक लक्ष्मण जी ने प्रभु राम की सेवा की वैसे ही उर्मिला जी ने चौदह वर्षों तक अयोध्या में अपनी माताओं की सेवा की उनका जो त्याग है उसको इस दिन हम याद करते हैं और वो बहुत बड़ा त्याग है उस त्याग से हमारी महिलाएं प्रेरणा लेती है और अपने बुजुर्गों की सेवा का आशीर्वाद देती हैं इसको इसको वर्तमान संदर्भों में अगर देखा जाए जिस प्रकार का वातावरण वर्तमान संदर्भ में चल रहा है कि इतनी भागदौड़ और रिश्तों में इतनी खटास और परिवार टूट रहे हैं ये सबसे अच्छा कि कैसा एक भाई जो राजकुमार है वो अपने भाई के लिए सर्वोच्च त्याग करके उनके साथ मना करने पे भी है, क्या बात है। और हर प्रकार की कष्ट से करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं और पत्नी देखिए वो चौदह वर्ष तक एक तपस्या है अरीश मुनि तपस्या करते हैं वहां पर भोजन त्याग करके और एक पत्नी यहाँ पति के बिना है यहाँ पर तपस्या कर रही है माताओं की सेवा कर रही है बिल्कुल इतिहास गवाह है कि गद्दी पाने के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काट देता है लेकिन यहाँ पर देखिए एक भाई दूसरे भाई का खड़ाव रखकर पूरा प्रतिरूप वो शासन कर रहा है एक बात है मतलब तो वो बात जो भरत की याद आ गई कि अगर देखा जाए तो भरत का जो त्याग है ना वो किसी मायने में भी कम नहीं है प्रभु राम से किसी मायने में कम नहीं है और जैसा कि सर ने अभी कहा कि वर्तमान संदर्भों में देखें कि आज जिस प्रकार भौतिकता हावी है हम एक-एक इंच जमीन के लिए भाई भाई दूसरा का गला काट देता है वहां जब प्रभु श्री राम वापस लौटते हैं तो वो 14 वर्ष के बाद तो अयोध्या की राजगद्दी भरत सौंपते हैं एक अद्भुत बात है दीपावली मैंने ये एक बड़ा संदेश है समाज के लिए कि वहाँ हर भाई में होड़ लगी है इस बात के लिए कि मैं अपना क्या समर्पण कर दूँ अपना सर्वस्व दूसरे को दे दूँ तो एक अद्भुत बात है ये दीपावली कि देखें कि न भरत की बात कर रहे थे लक्ष्मण ने पूरा समय ही पूरा चौदह वर्ष जो है राम के साथ रहे तो निश्चित रूप से वो त्याग और समर्पण का जो प्रतीक है ना वो है दीपावली हमारी अगर हम देखें चूंकि राम की बात हो रही है तो राम रामायण अपने आप में आपको एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए एक पिता अपने पुत्र को कैसे आदर्श पुत्र हो सकता है पुत्र के प्रति अपना प्यार परिलक्षित करता है उसको अपना राजगद्दी सौंपता है एक पुत्र अपने पिता के एक आज्ञा पे बिना कुछ प्रश्न पूछे वन को चला जाता है एक भाई का प्यार पिता का प्यार पुत्र का प्यार पत्नी का प्यार पति का प्यार माता का प्यार सब कुछ समाहित है रामायण में। तो रामायण अपने आप में एक क्या कहें धार्मिक ग्रंथ तो है ही के साथ साथ एक, सामाजिक और पारिवारिक, सामाजिक हर हर इसमें हर समाज का हमारे जीवन का प्रकृति का कोई भी आप ले लीजिए सामाजिक समरसता की बात ले लीजिए क्योंकि ये सब तो अभी देखिए हाल फिलहाल के विषय हैं हम ये सब बातें करते हैं पर ये मतलब कोई भी विषय कोई भी एंगल समाज का आप ले लेंगे तीज त्योहार का हो समाज का हो परिवार का हो आपसी रिश्तों का हो उन सबका एक जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है हमारे सामने जिसको पढ़ मतलब जितना आप पढ़ेंगे जिस एंगल से पढ़ेंगे वो ज्ञान आपको मिलेगा और ये हम लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं हमारा कर्तव्य और पत्रकार के कि उन एंगल को समाज के सामने लाएं और जो आज की पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है ये वेस्टर्न और ये भाग पैसे की होड़ और ये ड्रग्स इन सब के पीछे पड़ रिश्तों को मार रहे हैं आए दिन हम सुनते आ रहे हैं बहुत प्रकार की घटनाएं पत्र पत्रिकाओं में घरे पड़ी हैं

कैसे दीपावली से प्रकृति को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ये बात हमें निरंतर बताने की ज़रूरत है और हमारे जो पर्व के जिस तरह रूप बदल रहे हैं उस रूप बदलने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको बताना है कि हमारे सनातन संस्कृति में ये पर्व मनाए किए जा रहे थे क्योंकि जिस प्रकार से आज उद्योगपतियों का और जिस प्रकार बड़े बिजनेसमैनों का दबाव हमारे त्योहारों पर पड़ता जा रहा है और कैसे वो उसका आ, कह सकते हैं कि किस प्रकार एक तरह से हमें लगता है कि आज हमारे जितने पर्व और त्योहार हैं ना वो धीरे धीरे उद्योगपतियों की ल, आ, लपेट में आते जा रहे हैं उससे बचाने की जरूरत जरूर 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 है बाजार से बचाने की वही कुल मिला के अगर कहें तो इसका वर्तमान संदर्भों में जो पत्रकार हैं शिक्षा से जुड़े हुए है लोग हैं एनजीओज हैं उनका ये बहुत बड़ी ड्यूटी है जी भारतीय समाज को बचाने की जरूरत है और भारतीय समाज से विश्व को शिक्षा लेने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो पर्व यही पांच दिन के पर्व आप देख लीजिए और जो छठ का पर्व है इस ये क्या दिखाता है हमें एक परिवार परिवार प्रबोधन जो हमारे वर्तमान सरकार का और हमारे मतलब जो सामाजिक संस्कृत पे चर्चा करते हैं लोग जो उससे जुड़े कंसर्न लोग हैं तो परिवार को कैसे बचाएं क्योंकि जो पश्चिम है पश्चिम के पास ताकत तो और पैसा तो आ गया लेकिन उनके परिवार टूट गए हैं वो एक साथ नहीं रह रहे उनके यहाँ मैरिजेस नहीं हो रही हैं शादियाँ नहीं कर रहे हैं और इस तरह तलाक और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं ये जो आपने अभी उर्मिला और लक्ष्मण जी का देखा ये उदाहरण है कि चौदह वर्ष तक आप तपस्या कर लेकिन हमारे जरा भी कोई सवाल कोई प्रश्न नहीं है पहली बात तो परिवार और दूसरा जो आपने प्रकृति की बात कही तो ये दो संदेश अगर हम अपने समाज में आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने में सफल हो कि परिवार संस्था को कैसे हम बचाएं इसके लिए रामायण के ये पात्र और जो ये हमारे करेक्ट इसको सनातन धर्म और पूजा के एंगल से ना देख के इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और जो छठ और इसमें जो प्रकित की बात कही गई है उसकी तो प्रकित को संरक्षण और परिवार ये दो मूल उद्देश्य है जो हम जैसे शिक्षा बात है एक दो पॉइंट में रखूंगा उसके बाद से एक मध्य प्रदेश देश 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 की एक जानकारी के संजय जी देंगे फिर हम इसको समापन करेंगे रामायण और प्रभु श्री राम एक आदर्श राजा हैं आदर्श पुत्र हैं आदर्श पति भी हैं मित्र भी हैं और सबसे बढ़ अपने वचन को हम किसी को कहीं भी कुछ भी वादा कर देते हैं लेकिन शायद निभाना भूल जाते हैं लेकिन प्रभु श्री राम ने अगर किसी से कुछ कहा तो कभी उन्होंने से भूला नहीं बचन कर्म की एकता बिल्कुल तो यानी जब किसी से हम कुछ अगर कहें किसी को वचन दें तो उस वचन का पालन करें मित्रता का पालन करें आज्ञा का पालन करें कोई कहा तो तो गया है कि रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए पर, प्राण जाए प्रचन पर प्रचन जाए। जी। जी। तो एक देव उठावनी एकादशी है उससे संबंधित एक प्रसंग भाई साहब मध्य प्रदेश की अपनी सुनाएंगे फिर उसके बाद हम इसका समापन करेंगे जी जैसे हमारे यहाँ मध्य मध्य प्रदेश में और कुछ और प्रदेशों में भी होगा कि दीपावली के ग्यारहवें दिन जो एकादशी आती है उसको जैसे दिल्ली और इन अन्य क्षेत्रों में दीपावली के एक दिन पहले को छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं किंतु तो मध्य प्रदेश में जो मैंने मतलब मैं वहीं से हूँ तो देखा है कि ग्यारहवें दिन जो देव उठावनी है जिस दिन विष्णु जी अपनी निद्रा से चार महीनों के बाद उठते हैं उनका स्वागत उस दिन हम लोग छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं और इसी प्रकार जैसे घरों को सजाना दीप जलाना पटाखे फोड़ना मिठाइए बिल्कुल दीपावली का एक छोटा रूप जो है छोटा रूप उस दिन के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश में मनाते हैं एक आखिरी बात और मैं कह के जल्दी से अपनी बात रखना चाहता हूं क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस बार की दीपावली का विशेष महत्व है वो कहे कि 22 जनवरी को 500 सौ या कई हजार वर्षों के संघर्ष के बाद जो राम मंदिर हम लोग बहुत भा, भाग्यशाली हैं कि करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है करोड़ लोगों ने आहुति दी है उन करोड़ों लोगों के जो इच्छा थी कि प्रभु राम का मंदिर भव्य मंदिर बने वहां पर राम लला विराजमान हो तो 22 जनवरी 2024 को यह दिन आ गया है और तीर्थ तय हो गई है लेकिन इसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूं कि जैसे अभी मैंने कहा अभी पीछे एक कहीं पर चर्चा हुई है वहाँ पर एक बेल्जियम के इतिहासकार थे कॉनराड एल्स्ट उन्होंने ये तथ्य रखा और बड़ी उनको दुख हुआ कि भारत की किसी भी सरकारों ने या किसी विद्वानों ने किसी ने भी कोशिश नहीं की कि राम लला या भारत में जो हिंदू धर्म है और जो हिंदू सनातनी लोगों ने रामलला हो या रामलला जी के लिए या अन्य इस धर्म के प्रतियोगों की रक्षा के लिए अपने अपने बलिदान दिया उस पर किसी ने नहीं किया और राम मंदिर जो बन रहा है तो पिछले उन्होंने बताया कि 525 वर्षों का इतिहास 1000 से 1525 सौ पच्चीस तक का अगर आप देखेंगे तो उसमें दस करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया तो हम अन्य धर्मों के नरसंहार की बातें करते हैं इसराइल और तो यहां वहां लेकिन ये नहीं करते तो ये दीपावली हमारे लिए से विशेष है कि इतने बड़े नरसंहार इतने बड़े कुर्बानी आदमी बलिदान देने के बाद जो हम इस रामलला के मंदिर को बनाने में ये सरकार या हम सब लोग सफल हुए हमने किसी भी रूप में अपना योगदान दिया हम अपने आप को इसलिए ये दीपावली विशेष के ये 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 सब सब लिए बहुत बिल्कुल अब दीपावली ही है तो दीपावली जैसे मध्य प्रदेश से जुड़ी घटना है गुजरात से जुड़ी घटना है तो दीपावली जो है पूरे देश के जिस कोने में जाइएगा दीपावली से जुड़ी और राम से जुड़ी कोई ना कोई आपको घटना कहानी मिलेगी यानी यह पर्व जो है एक राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है और यह भी बताता है कि ये जो भारत है यह एक राष्ट्र सनातन राष्ट्र है पूरा यानी किसी समझौते से उन्नीस में पैदा हुआ राष्ट्र नहीं है यह सनातन राष्ट्र है सदियों से सनातन राष्ट्र सदियों से सनातन राष्ट्र है यह भारत भूमि है यह संतों की भूमि है देवों की भूमि है राम जी को तो वैसे भी भारत की आत्मा है वो आत्मा है वही हमारे यूनिफाइंग फैक्टर तो पूरे कार्तिक माह में जो पर्व त्योहार है आप पूरे खुशियां और उल्लास के साथ मनाए प्रभु राम का आशीर्वाद और छत्र छाया आप पर बना रहे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे धन्यवाद नमस्कार नमस्कार